दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेले का एंट्री गेट कितना ज्यादा सुंदर बनाया है। यहाँ देखो भाई सामने यहाँ पर ये गणेश जी है, गर्दन हिला रहे हैं भाई अपनी। ये देखो भाई इस तरीके से चलता है, ये ऊपर तक जाता है और गोल गोल घूमता है। ऐसे दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तरुण कृष्णा पर। ये मेरे पीछे आप देखो मेला लगा है, ये मेला लगा है, ये मेला लगा है। फिलहाल मैं रोहिणी में खड़ा हूँ, रोहिणी दिल्ली में। भाई यहाँ पर तीन तीन मेले लगे हैं, जन्माष्टमी के मेले, यहाँ पर जय किशोरी जी की कथा चल रही है भाई, मतलब ये 2 सितंबर से चालू हो चुकी है। उसी के अलावा कन्हैया मित्तल जी, हंसराज रघुवंशी जो है वो, बाकी पूनम देवी जी जो है, उन सब की यहाँ पर भजन संध्या हो रही है, जय किशोरी जी कथा हो रही है, साथ ही में जन्माष्टमी का मेला यहाँ पर लगा है। तो पूरा इस वीडियो में जन्माष्टमी मेला मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोहिणी दिल्ली में जो लगा है, साथ ही मैं आगे पूरी जानकारी दूंगा कहाँ पर ये मेला लगा है, ठीक है, और नियरस्ट मेट्रो क्या रहेगा यहाँ पर आने के लिए। उसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था, ये देखो पार्किंग की व्यवस्था, मेले का समय क्या रहेगा, कब तक मेला है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी यहाँ पे जय किशोरी जी की कथा भी हो रही है, अगर ये सारी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर आप जा सकते हो जिसका नाम है तरुण कृष्णा धार्मिक ब्लॉग्स। यहाँ पे क्या क्या और प्रोग्राम हो रहे हैं ना उस वाले चैनल पर मैंने वीडियो डाल दी है, उसमें बताया मैंने सब कुछ, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में यहाँ का मेला आपको मैं दिखाता हूँ जन्माष्टमी का, और सारी जानकारी देता हूँ। दोस्तों इस मेले की अगर लोकेशन की बात करें तो भैया जेएमडी टेंट रोहिणी सेक्टर 11 में लगा हुआ है जो मेला है दिल्ली के अंदर। ये देखो यहाँ पे जन्माष्टमी का मेला काफ़ी अच्छा है। ये मेला जो है आज 2 सितंबर को चालू हुआ है, जन्माष्टमी तक चलने वाला है मेला जो है। मेले के समय की अगर बात करें तो भाई मेला जो है शाम को 6 बजे चालू हो जाएगा, रात को जो है 11 बजे तक चलेगा। देखो मेला चालू कर दिया गया है यहाँ पर, ये देखो भजन भी चल रहे हैं भोले बाबा के यहाँ पर, वहाँ सामने देख सकते हो वो रहा है एक मेला। यहाँ आने के लिए करीब, हाँ ये पार्किंग देख रहे हो, ये पूरा पार्किंग रहेगी, फ्री पार्किंग है। ऐसी पार्किंग 3-4 जगह इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पर, सिक्योरिटी भी काफ़ी रखी हुई है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर जो है कथावाचक आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, वो सब लोग आ रहे हैं, सिक्योरिटी भी है यहाँ पे काफ़ी। पार्किंग मैंने आपको बता दिया, करीबी मेट्रो स्टेशन रहेगा भाई रोहिणी वेस्ट का, वहाँ से यहाँ तक आप आ सकते हो। बाकी रिठाला भी करीबी मेट्रो स्टेशन है, कहीं से भी आप आ सकते हो, रिठाला ज़्यादा पास पड़ेगा वैसे, रिठाला से आप पैदल भी आ सकते हो, रोहिणी वेस्ट से आपको रिक्शा वगैरह लेके आना पड़ेगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेले का एंट्री गेट कितना ज़्यादा सुंदर बनाया है। तो 3 मेले लगे हैं जिसमें से एक मेला हम आपको दिखाने वाले हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर, ऐसा लग रहा है कि हमें झांकियाँ भी शायद देखने के लिए मिलने वाली है यहाँ पर। पार्किंग जो है ना इस मेले के पास भी, ये देखो ये मेले की एंट्री है, ये बगल में से जा रही पार्किंग, देखो वहाँ उस वाले गेट से निकलने हैं लोग, ये वहाँ देखो वो जा रही ना गाड़ी, वो पार्किंग है। दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है, ये देखो भाई आइए अंदर चलते हैं, सामने गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो भाई सामने यहाँ पर ये गणेश जी है, गर्दन हिला रहे हैं भाई अपनी। यहाँ पर आप झांकियाँ भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ लगाई हैं। देखो यहाँ पर ये बर्ड है, एक चिड़िया है जो भाई ऊपर देखो टोकरी में से खाने के लिए कर रही है इस तरीके से, ये देखो। बाकी वहाँ पे हेलीकॉप्टर लगाया है, यहाँ से भाई एंट्री आने वाली है, झांकियाँ में काफ़ी अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल रही है। वहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर लगाया है, सामने कितना अच्छा लग रहा है देखो। चलो भाई चलते हैं, यहाँ पर व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी, यहाँ पर देखो ये लेडीज़ के लिए, ये जेंट्स के लिए, चारों ओर यहाँ पर कैमरे भी लगे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहने वाली है। देखो पूरी चेकिंग होगी यहाँ पर मेले में। मेले के अंदर आते भाई ये हमें दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ पर लुक, देखो भाई वहाँ पर भी सामने झांकियाँ लगाई हुई हैं, दिखाएंगे सब कुछ। ये देखो यहाँ देख सकते हैं आप, ये राधिका क्रिएशंस हैं यहाँ पर, लड्डू गोपाल जी के यहाँ से आप कपड़े ले सकते हैं, ये देखो काफ़ी सारे कपड़े हैं, ये देखो काफ़ी सारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के कपड़े रहने वाले हैं। देखो यहाँ पे से अंदर चलते, यहाँ पर क्या है ना ये कथा वगैरह के लिए स्टेज लगाया है अंदर वहाँ पर, यहाँ सामने भी झांकी देखी जा सकती है। ये देखो हनुमान जी है यहाँ पर, पंचमुखी हनुमान जी है यहाँ पर। यहाँ देखो भाई चंद्रयान की सफलता के लिए यहाँ पर एक रॉकेट भी लगाया हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ अंदर जो है ना पंडाल लगाया हुआ है, अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग। यहाँ सामने देख सकते हैं स्मोक बिस्किट है भाई यहाँ पर, यहाँ पे स्वागत वगैरह करने के लिए बजा रहे हैं, वहाँ मेला मेला दिखाते हैं, चलो चल के यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ना, शोर हो रहा है। यहाँ पर नीति भी आए हुए है, देखो दारियल मिल्क शेक कंपनी, क्या क्या मिलने वाला है, कितने में मिलने वाला है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे वैनिला स्टफ ग्रीन लीमा स्ट्रॉबेरी बफे बटर स्कॉच पाइन एप्पल देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आप। तो आइए पूरा मेला आपको दिखाता हूँ उस साइड, तो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी बजाए जा रहे हैं, यहाँ सामने काफ़ी गेम्स लगाई हुई हैं। यहाँ पर देखो झूले आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर भी जॉइंट व्हील लगा है, वहाँ पर सामने भूत बंगला है, यहाँ पर ये है गांजी, अच्छा मोमोज है शाही मोमोज, बाकी यहाँ पे ताऊजी क्रिएटर्स वो आए हुए हैं कैटर्स, यहाँ पे भी आप काफ़ी कुछ खा सकते हैं। मेन्यू दिखाता हूँ एक बार चल के, ये देखो पूरा मेन्यू देख सकते हो, व्रत की कुल्फी, क्योंकि जन्माष्टमी में व्रत भी रखते हैं ना लोग, व्रत की कुल्फी, तिल्ला कुल्फी, फलूदा कुल्फी, काफ़ी सारी कुल्फियाँ देख सकते हैं आप। ये देखो यहाँ पे ताऊजी क्रिएटर कैटर्स अंदर। तो मेला भाई आज ही चालू हुआ है, तो फिलहाल तो भाई किसी को मालूम नहीं, तो भीड़ भी नहीं है यहाँ पर, देखो काफ़ी अच्छा बनाया है देखो ये।
पूरा ही कैटर्स रहने वाला है। ये देखो ताऊजी कैटर्स यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलने वाली है। यहाँ पर गोलगप्पे हैं, दही बल्ले हैं, डोसा, मतलब साउथ इंडियन में सब कुछ है यहाँ पर। ये देखो तो टिक्की वगैरह बनाई जा रही है यहाँ पर सामने। यहाँ पे देखो ये चाउमीन वगैरह, यहाँ पे रोल वगैरह, मतलब काफी कुछ है। मतलब यहाँ पे सहा काउंटर है ताऊजी कैटर्स का, ये भी यहाँ पे भी आपको आइसक्रीम वगैरह मिलेगी। गोलगप्पे ये देख सकते हो, पूरी लिस्ट है यहाँ पर। ये गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी, आलू टिक्की, आलू चाट, पूरा लिस्ट देख सकते हो यहाँ पर आप कितने में क्या मिलेगा। बाकी ये आप देख रहे हो आपके लिए व्यवस्था की हुई है यहाँ पे, आप मतलब जो आप लोग हैं वो यहाँ रख के खा सकते हो आप। ये देखो पूरा लगाया टेबल वगैरह सारे, काफ़ी मतलब साफ सुथरा भी है, देखो हाइजीन काफ़ी ज़्यादा है। पंखे वगैरह भी लगाए हैं, फिलहाल कोई है नहीं तो पंखे बंद हैं। ये देखो आओ थोड़ा सा देख ही लेते हैं भाई क्या क्या बनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो कलरफुल गोलगप्पे यहाँ पर, आटे वाले, सूजी वाले, चावल वाले। चलो भाई और चीज़ें देखते हैं और क्या क्या है। मेला पूरा खाली है भाई फिलहाल तो, आज पहला ही दिन है आज मेले का जो है, पूरा जन्माष्टमी तक मेला ही चलने वाला है। यहाँ देखो ये कुरकुरा मोमोज वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। ये देखो मेन्यू देख सकते हैं यहाँ से आप कितने में क्या रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पान की भाई एक दुकान यहाँ रहने वाली है। देखो काफ़ी सारे पान है फिलहाल तो लगाया जा रहा है आज। ये देखो क्या क्या पान है यहाँ पे, रात की रानी पान, गोवा पान, मिक्स पान, खुशू पान, ड्राई फ्रूट पान, ये पान, वो पान, खालो पान। बाकी यहाँ पे देखो ये बर्तन वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे काफ़ी। सामने यहाँ पर जो है मिक्की माउस देख सकते हो, भूत बंगला है, शोर आ रहा है भूत का। यहाँ पे ये देख रहे हो आप जाइंट व्हील है, यहाँ पे क्या है हैंगिंग वाला जो होता है ना 100 रुपये यहाँ पर होते हैं और ये लटकना होता है 1 मिनट तक, जो 2 मिनट तक लटक लेगा उसको मिलते हैं 1200 रुपये। ये देखो यहाँ पे पूरा लगाया हुआ है, इसके ऊपर लटकना होता है भाई 2 मिनट तक। बाकी ये आप देख रहे हो ये रहने वाला जाइंट व्हील, यहाँ पर कोई है नहीं है किससे पता करे भाई टिकट, कोई है ही नहीं यहाँ पर देखो। बाकी ये रहने वाला नाव वाला झूला यहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ पे देखो कार वाला झूला जो होता है वो चल रहा है भाई, कोई बैठा नहीं है फिलहाल, पूछ नहीं पा रहे इसलिए किसका कितने रुपए है टिकट। कितने रुपए इसके, कितने रुपए, कितने रुपए, 120। तो भाई 120 रुपए रहने वाले हैं इसके, ये देख सकते हो यहाँ पे है ड्रैगन। क्या भाई यहाँ पर से ये भी खरीद सकते हैं, देखो कुर्ते वगैरह हैं, प्लाजो वगैरह हैं, फ्रॉक वगैरह हैं। ये देखो 150 रुपये सेल, 100 रुपये सेल, ये देख सकते हैं काफ़ी सारा रहने वाला है लड़कियों के लिए कलेक्शन। बाकी यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी है लड़कियों के लिए, बम्बई ज्वेलरी देखो। बाकी सूट वगैरह भी है लड़कियों के लिए यहाँ पर, ये फ्रिज के जो कवर होते हैं वो सब है, कुशन वगैरह हैं, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी आइटम मतलब रहने वाला है। कितने का भाई है, कितने का है, 150 रुपये का रहने वाला है। देखो बबल इसमें से निकालते हैं, बबल गन है ना। अब यहाँ पे भेलपूरी वगैरह है, जूस वगैरह है, ऑरेंज, लेमन, यहाँ पे ये जो ये स्वीट कैंडी होती है वो है। ये देखो बूढ़ी अम्मा के बाल, कितने के रहने वाले, कितने का है, 30 रुपये इसके भाई रहने वाले हैं यहाँ पर। बाकी सॉफ्टी वगैरह ये आप देख सकते हो, भेलपूरी यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितने की है भेलपूरी, 50 रुपीज़ की भाई भेलपूरी यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे सॉफ्टी है वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ट्विन फ्लेवर, कितने रुपए की सॉफ्टी, 20 रुपए। तो भाई ओनली 20 रुपीज़ की रहने वाली है यहाँ पे, ये देखो सॉफ्टी जो है, अच्छा 30, तो भाई 30 कह रहे हैं, 30 रुपए। बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी झूले आप देख सकते हो, ये देखो सामने ये चल रहा है यहाँ पर, एक ड्रैगन वाला झूला, बाकी बोटिंग भी है यहाँ पर बच्चों के लिए। देखो भैया कितने रुपये यहाँ पर बोटिंग के, 80 रुपये, कितने देर के, 10 मिनट के भाई 80 रुपये रहने वाले हैं यहाँ पे, बच्चे को आप बोटिंग करवा सकते हैं। बाकी वहाँ पीछे वो देख सकते हैं आप, वो भी एक झूला है यहाँ पर। बाकी यहाँ पे ये ब्रेक डांस भी सामने देख सकते हैं आप, ये जॉइंट व्हील है, ये देखो ब्रेक डांस यहाँ पर लगा हुआ है। भाई कितने रुपये है, तो भाई इसके भी 120 रुपये रहने वाले हैं ब्रेक डांस के भी। बाकी यहाँ पे देखो बड़ा सा जॉइंट व्हील है एक, और मतलब 2 जॉइंट व्हील है यहाँ पर। बाकी यहाँ पे टावर वाला झूला भी है, ऊपर तक जाता है, गोल गोल घूमता है, नीचे आ जाता है। यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी झूले लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे सामने चांद तारा झूला भी है। टोरा टोरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ टावर वाला दिखा दिया, यहाँ पे देखो रेंजर भी है, ये देखो नाव वाला झूला हो गया चालू, 120 रुपये यहाँ पे झूले के जो है रहने वाले हैं। यहाँ पर देखो चांद तारा जिसके बारे में मैंने आपको बताया,
काफी सारे झूले आप मजे कर सकते हो। वहाँ पे देखो शूटिंग गन वाले जो गेम होती है वो भी है, काफी बढ़िया मेला ही लगा है, बच्चों के लिए काफी सारा कुछ है। यहाँ पे सेल्फी है, मतलब जो सेल्फी वीडियो नहीं बनाते ये। तो भाई जो ये चांद तारा झूला है, मून स्टार ये चालू हो गया। देखो ये देखो भाई, इस तरीके से चलता है, ये ऊपर तक जाता है और गोल गोल घूमता है। ये देखो लड़कियाँ चिल्लाने लगी। बाकी टोरा टोरा चल रहा साइड में ही। काफी बढ़िया झूला है, काफी मजा आता है। ये देखो भाई बच्चों वाला दिखा दिया, यहाँ पे रेंजर था ये रहा। तो भाई रेंजर के भी 120 ही रहने वाले, सारे झूलों के यहाँ पे 120 ही रहने वाले हैं। बच्चों का देखो मिकी माउस कितना बढ़िया लग रहा है, देखो काफी कलरफुल है ये वाला। ये देखो बच्चों के लिए छोटे छोटे जो झूले, ये देखो कितनी छोटी सी यहाँ पे टॉय ट्रेन है, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। बच्चों का छोटा सा कोलंबस छोटे छोटे सा मतलब पूरा पोर्शन कह सकते हो बच्चों के लिए बनाया है ये, सारा ही बच्चों के लिए रहने वाला है। ये देखो हॉर्स वाला, बाकी चेयर भी लगी है इसमें, बाकी ट्रम्पलिन है बच्चों के लिए, छोटी सी नाव है। ये देखो ट्रम्पलिन, ये देखो कार, ये देखो बाइक, बाकी वो रिंग थ्रो करने वाली गेम होती है, वो सारी गेम्स वहाँ पीछे, काफ़ी सारी गेम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरा मेला मैंने आपको यहाँ रोहिणी में जो जन्माष्टमी का लग रहा दिखा दिया, तीन मेले यहाँ पर लग रहे हैं जिसमें से एक मेला हमने दिखाया है। बाकी यहाँ देखो ये पीछे एक और मेला है ना, ये भाई ये वाला मेला भी काफ़ी सुंदर है। तो पूरा मेला मैंने आपको एक दिखा दिया है। बाकी अगर आप जयकिशोरी जी की वीडियो देखना चाहते हो, सारी जानकारी लेना चाहते हो, ये जो और यहाँ पे प्रोग्राम काफ़ी हो रहे हैं सबकी जानकारी लेना चाहते हो, हमारे दूसरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो, तरुण कृष्णा धार्मिक ब्लॉग्स, तो जाके आप देख सकते हो। उम्मीद है आपको मेले की सारी जानकारी मिलेगी। चैनल पर आए थे पहली बार कर रहे हैं सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।